तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल के महीने में किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो देखते हैं सबसे पहले मेष राशि के लिए। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान से सुनिए कि आपकी अगर मेष राशि है तो इस समय महीने के शुरुआत में जो ग्रह गोचर है वो बुध बृहस्पति की युति आपके राशि में बनी हुई है। आपके व्यय भाव में बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है, लेकिन आपके दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में मंगल के साथ लग्नेश के साथ है। इसका मतलब कि अगर आप नौकरी करते हैं तो पक्की बात है कि आपके लिए समय एकदम अनुकूल है। आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही शुभकारी साबित होगा अप्रैल का महीना, और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। कड़ी मेहनत आपकी रंग लाएगी और उसका भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपके छठे भाव में केतु बैठा हुआ है और उसका स्वामी बुध आपके लग्न में है, तो ऐसे में थोड़ा सा नजदीकी विरोधियों से सावधान रहना होगा। जो नजदीक रह करके भी अपनेपन का स्वांग रचते हैं और आपकी उन्नति से जलते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास सोच समझकर करिएगा और सोच समझकर बात भी करिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने उच्चाधिकारियों से भी बड़ी विनम्रतापूर्वक बातचीत करें ताकि संबंध न बिगड़ने पाए, क्योंकि संबंध बिगड़ने के योग भी बन रहे हैं। अप्रैल महीने में मेष राशि के व्यवसायियों को लाभ निश्चित मिलेगा। विदेश से जुड़ा कारोबार उन्नति को प्राप्त करेगा, और तो और कारोबार में कई ऐसे नए अवसर आपको प्राप्त होंगे अप्रैल के महीने में, जिसमें आप मील के पत्थर साबित होंगे। और अगर इस महीने आप अपने कारोबार को गति देना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं या कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आप अच्छी तरह से जान लीजिए, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप जहां भी निवेश करेंगे आपको बिल्कुल और बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, आप इस बात को मान करके चलिए। लेकिन नजदीक रहने वाले, अंदर से जलने वाले लोगों से आप अपनी भावनाओं को पूरा शेयर ना करें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, इसमें आपकी भलाई है। जय मां विंध्यवासिनी।